नीमच जिले की सिंगोली तहसील के ग्राम बाड़बा में कन्हैयालाल भील की हत्या के मामले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में लिया है और मृतक के बेटे का लालन पोषण सहित शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाने की बात कही है। इसके साथ ही दोनों भाइयों के मकान और आर्थिक सहायता देने के लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगोली की घटना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उक्त घटना में कन्हैयालाल भील की मृत्यु हो गई है। हमने फैसला लिया है कि कन्हैयालाल भील के बेटे दुर्गा शंकर के लालन पालन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल के दो भाई कचरूलाल और चित्रमल, इनके मकान भी सरकार द्वारा बनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दोनों भाइयों को दी जाएगी। मृतक कन्हैयालाल भील का पुत्र दुर्गा शंकर अभी वर्तमान में अपनी माता के साथ राजस्थान गया हुआ है। जैसे ही वह अपने गांव लौट आएंगे वैसे ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। घटना को कारित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। पीड़ित परिवार की चिंता अब सरकार करेगी। ऐसी हर घटना को हम गंभीरता से लेते हैं। नीमच जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कन्हैयालाल भील की मृत्यु हो गई थी। हमने फैसला किया है कि उनका बेटा दुर्गा शंकर अभी अपनी मां के साथ राजस्थान गया हुआ है। मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को उस बेटे का लालन पालन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। दो भाई हैं कन्हैयालाल के, कचरू और चीतर, उन दोनों के भी मकान बनवाने का फैसला सरकार ने किया है। उसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और दोनों भाइयों को भी दी जाएगी। हम परिवार की पूरी चिंता करेंगे। आरोपियों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है।